हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रोफेशनल लोगो कैसे बना सकते हैं विद इन 5 मिनट्स में। तो लेकिन ये 5 मिनट्स आपके यूट्यूब चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप लोगो बनाते हो, ठीक है, तो आपका जो भी सब्सक्राइबर है, आपका जो भी व्यूअर है, वो आपके लोगो से कभी कभी आपको पहचान जाता है कि भाई मैंने इसको सब्सक्राइब किया था, मैंने इसका पहले बार वीडियो देखा हुआ है। तो ठीक है, तो जो सब्सक्राइबर के लिए और व्यूअर्स के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए लोगो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आप प्रोफेशनल लोगो बनाओगे तो एकदम बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा आपके चैनल पे, आपका चैनल भी पूरा, जो आपका चैनल का स्ट्रक्चर है वो भी आपको अच्छी तरह से दिखेगा। तो आज हम ये बताने वाला हूँ कि आपको एकदम सिंपल स्टेप में आपको बताऊंगा कि कैसे लोगो क्रिएट करते हैं विद इन 5 मिनट्स में। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कैसे बना दे। तो आपको जाना आपके मोबाइल स्क्रीन पे, तो मोबाइल स्क्रीन पे जाओगे तो आपको यहाँ पे पिक्सआर्ट ऐप ओपन करना है, जो यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको मैंने पिक्सआर्ट ओपन किया, तो आपको यहाँ पे बॉटम में प्लस आइकॉन दिखेगा, तो आपको उसको उसके ऊपर क्लिक करना है। नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिखेगा, तो आपको यहाँ पे वेरियस बैकग्राउंड है। मैं यहाँ पे व्हाइट वाला बैकग्राउंड चूज कर रहा हूँ, ऐड आ गया, तो मैंने बैकग्राउंड चूज कर दिया। तो आपको यहाँ पे नीचे टूल्स दिख रहा है, तो आपको टूल्स पे जाना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिखेगा क्रॉप, तो क्रॉप पे जाना है और आपको यहाँ पे नीचे स्क्वेयर वाला ऑप्शन क्लिक करना है। ठीक है, और आपको इसके यहाँ पे करना है ओके। जैसे आप ओके करिए तो आपको स्क्वेयर वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको करना है, एक लेटर में प्रेस करता हूँ, तो जो है एम को मैंने कर दिया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ब्लैक, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया एम। अभी और एक मैं प्रेस कर देता हूँ जो है ए, तो मैं ए कर दिया। फिर से मैं कलर में गया, इसको मैंने थोड़ा साइज मैंने इंक्रीज कर दिया, जो पहले अल्फाबेट जितना है। ठीक है, थोड़ा सिमिलर लग रहा है, इसको थोड़ा मैं इसको चिपका देता हूँ इसको। ठीक है, ये अपना हो गया, एम ए हो गया। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा ओके कर देता हूँ। ओके, जैसे मैंने कर दिया, अब इसको थोड़ा अलग स्ट्रक्चर दे देते। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ पे क्लिक करना है। ड्रॉ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये वाला मैंने स्ट्रक्चर लिया, इसको आपको फिल करना है। फिल करने के बाद ओके करना है, और इसको आपको व्हाइट वाला कलर देना है। ओके करना है, और आपको यहाँ पे जस्ट इससे जो ड्रैग करना है, ड्रैग करोगे तो ये आपका डिज़ाइन उसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अभी थोड़ा अलग दिख रहा है। अभी आपको इसको चेंज में कलर कर देता हूँ, तो मैंने फिर से इसमें गया, इसके ऊपर गया, और मैं इसको फिल ही करूँगा, ओके करूँगा, इसका कलर थोड़ा चेंज करूँगा, रेड वाला लिया, ओके कर दिया, उसके ड्रैग कर दिया यहाँ पे। तो मैं जैसे अभी इसको इसके ऊपर लगा दूंगा इस तरह से। ठीक है, मैं इसके ऊपर जाऊँगा यहाँ पे, इसको मैं स्क्रीन कर दूंगा, तो देखो इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा इसको हम लोग नीचे नाम दे देते। फिर से मैं जाऊँगा टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाने के बाद इधर मैं पूरा नाम लिख दूंगा मितार्ट, ओके कर दूंगा। इसका मैं कलर चेंज कर दूंगा ब्लैक, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। Here are the top search results. ठीक है, ये आ गया इधर। गूगल चालू है तो नेट चालू है, अभी कुछ तो गूगल ने बता दिया, नो वरीज, हम लोग कंटिन्यू कर देते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मितार्ट लिख दिया। अभी आपको दिख रहा है थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है अपना ये लोगो। ठीक है, मैं इसको फिर से इसको ब्लैक ही रख देता हूँ। अब इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, सर्कल कर देते, तो मैं फिर से इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद मुझे इसमें फिर से जाने का, ड्रॉ में जाने का, इसको इसमें जो गया मैं, फिर से मैं यहाँ पे राउंड ले लिया, स्ट्रोक लेना भी आपको, यहाँ पे ओके कर दिया। इसको ब्लैक कलर लेना है, और यहाँ पे जस्ट आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है इसके बाजू में, क्योंकि थोड़ा अच्छा दिखे। ठीक है, ये एक अपना लोगो हो गया। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा नाम लिख लेता हूँ जो और अच्छा दिखेगा। तो फिर से मैं टेक्स्ट में जाऊंगा, यहाँ पे मैंने टाइप प्रेस किया माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी में बता रहा हूँ, तो आप आपके अच्छे से एकदम टाइम लेके आप कर सकते हो, इससे बढ़िया आप कर सकते हो। तो मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा, और आपको यहाँ पे दिख रहा है बेंड करके है, तो आपको बेंड में जाना है, और इसको थोड़ा यहाँ पे ऐसे बेंड करना है, और आपको यहाँ पे इसको इसके यहाँ पे थोड़ा ऐसे लगा देना है। ठीक है, ये हो गया।
अब यहाँ और एक ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं ओके कर दिया और फिर से मैं टेक्स्ट में गया। As you like, just मैंने इसे प्रेस टाइप कर दिया, आपको आप जो भी चाहिए आपका चैनल के हिसाब से आप टाइप कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पे ले लिया, इसका थोड़ा साइज इंक्रीज कर देता हूँ और इसको मैं थोड़ा बेंड कर देता हूँ। अभी इसको मैं बेंड इस तरह से करूँगा और इसको मैं यहाँ पे इधर प्रेस करूँगा, इसको यहाँ पे इधर प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अभी ये दोनों जगह पर प्लेस हो गया। अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, और एक अभी फिर से हम लोग ड्रॉ में जाएंगे, फिर से ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ पे जाऊंगा मैं, स्ट्रोक ले लूंगा, स्ट्रोक ही लेना है आपको सर्कल वाला और ब्लैक बेस पे, और इसको मैं यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर दूंगा और इसके Here is public drop of depo. यहाँ पे मैं इसको ऐसे लगा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अच्छा दिख रहा है और अट्रैक्टिव दिख रहा है। अभी इसको थोड़ा मैं और मॉडिफाई कर देता हूँ। हम लोग ने यहाँ पे लिखा माई यूट्यूब चैनल, तो थोड़ा स्टिकर में जाके यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब लोगो। ठीक है, तो यूट्यूब लोगो में से ये लोगो मैंने ले लिया, तो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे प्लेस कर दूंगा तो थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो ये अपना हो गया लोगो रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जस्ट ओके करना है, सेव करना है, यहाँ पे आपको गैलरी में सेव करना है, डन। तो आपका ये लोगो रेडी हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप जो मैंने लोगो बनाया। दोस्तों यहाँ पे मैंने जो लोगो बनाया तो मैंने जो फास्ट में रहता था, आप टाइम लेके अच्छा खासा प्रोफेशनल लोगो बना सकते हो। ठीक है, और ये आपको 5 मिनट आपके वीडियो में आपके यूट्यूब चैनल के लिए ग्रोथ के लिए फायदेमंद होंगे। तो प्लीज ये वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे कमेंट बॉक्स में भी बोलना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।